नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। मेवात में हुई हिंसा पर अब बीजेपी के मंत्री ही हिंदूवादी संगठनों पर सवाल उठाने लगे हैं। इस हिंसा को लेकर बीजेपी और जेजेपी में भी मतभेद देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज समेत बीजेपी के कई बड़े नेता कथित गोरक्षक मोनू मानेसर को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने मोनू मानेसर को ही मेवात में हुई हिंसा के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार बता दिया है। दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मोनू मानेसर ने ही इस पूरी हिंसा में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर जैसे कुछ लोग जो खुद को गोरक्षक कहते हैं वो वास्तव में गाय पालते ही नहीं है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। इधर बड़ी बात यह है कि सिर्फ हरियाणा के डिप्टी सीएम ने ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी हिंदूवादी संगठनों पर सवाल उठाए हैं, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बयान से मेल नहीं खाते हैं। दुष्यंत चौटाला के अलावा गुरुग्राम से ही भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हिंदू संगठनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक जुलूस में हथियार को कौन लेकर जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के इस जुलूस में कई लोग तलवार लेकर आए थे, लाठी डंडे लेकर आए थे, उन्हें हथियार भी दिए गए, यानी सिर्फ दूसरी तरफ से नहीं इस तरफ से भी उकसाने की कार्यवाही की गई, जिसके बाद ये पूरी हिंसा भड़की। इसी तरह भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी नू हिंसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा का जो भाईचारा है वो बेमिसाल है, प्रदेश में कभी भी धर्म जाति के नाम से कोई दंगे फसाद नहीं हुए, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो इस प्रदेश को जातिवाद के सहारे बांटने की कोशिश कर रही है, यानी उन्होंने सीधा इशारा अपनी पार्टी की तरफ कर दिया है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जाटों के वो बड़े नेता हैं जो किसी भी पार्टी में रहे हो लेकिन अपनी बात हमेशा मुखर होकर रखते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर आज बीजेपी के कई नेता ही इस भगवा यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इधर सबसे बड़ा बयान दुष्यंत चौटाला ने मोनू मानेसर को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हुए दे दिया है। दूसरे समुदाय के लोग भी लगातार कह रहे हैं कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की वजह से ये पूरी हिंसा भड़की, लेकिन सीएम और गृह मंत्री अनिल विज मोनू मानेसर का बचाव कर रही है ये कहते हुए कि मोनू मानेसर ने किसी को नहीं कहा था कि हिंसा फैलाए। फिलहाल इस पूरी हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और सरकार की अब तक की कार्यवाही से आप कितने संतुष्ट हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।